चलिए फिर आज बनाते हैं सत्तू का पराठा। और बारिश होने लग गई, बारिश में देख करके ही मन करने लग गया कि चलो बनाते हैं सत्तू की पराठा। लिट्टी बनाना था, लेकिन लिट्टी के लिए ना आग सुलगानी पड़ती है और बारिश हो रही है तो हो नहीं पाया, तो चलो पराठे ही बनाते हैं। तो चलिए पराठे बनाने के लिए, फिर सत्तू नहीं था तो एकदम से याद आया कि चलो घर में चना पड़ा हुआ है तो इसी का बनाते हैं सत्तू। तो चलिए मैंने चना ले लिया अपना और इसको गर्म कर लेंगे कढ़ाई में अच्छे से डाल के। मैंने गर्म किया, आजकल बारिश होने लग गई ना तो जल्दी कोई चीज़ सिम जाती है। तो चलिए इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। चलिए एक मेरी प्यारी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर करना। तो चलिए ठंडा हो चुका है, मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे, इसका फाइन सत्तू बनाएंगे। और मार्केट से भी अच्छा सत्तू बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड घर पे। हम लोग तो कभी भी बाज़ार से नहीं लाते हैं, घर पे ही बनाते हैं जो है सत्तू, घर में बन जाता है। तो चलिए मेरा ये पीस चुका है और इसको छन्नी से छान लेंगे अच्छे से। और इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ है सत्तू, कोई मिलावट भी नहीं, घर पे अच्छे से बन जाता है। तो चलिए बाज़ार में तो मिलावट का मिलता है सत्तू। तो चलिए ये देखिए पाउडर बन के तैयार हो गया है बढ़िया मस्त सत्तू। तो चलिए इसके लिए मैंने ये तैयार कर लिया था मसाले, लहसुन मिर्च और अजवाइन। और चलिए इसको इस बाउल में रख देंगे कटोरे में सत्तू को, और इधर तैयारी कर लेंगे मसाले की। तो चलिए मैंने बारीक काट ली थी प्याज, तो इसको इसी में डाल देंगे। नींबू भी काट लेंगे, नींबू का रस पड़ता है और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। बारिश होने लगती है तो हम लोगों के यहाँ तो लिट्टी पराठे बनते ही बनते हैं। तो चलिए ये मसाले को पीस लेंगे सिलबट्टे में, और सिलबट्टे में दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करना है। बहुत टेस्टी लगता है इस तरह लिट्टी बनाओ तो। हमारे यहाँ मेरी सासू माँ बनवाती थी इसी तरह, तो मैंने सीख लिया है उन्हीं से बनाना सत्तू का पराठा सीखा है। तो चलिए उठा लेंगे, पिस चुका है। चलिए इसमें डालेंगे ये मसाला जो पीस लिया था, और ये हल्दी डाल दिया मैंने, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और बीच में थोड़ा सा इसको करेंगे चम्मच से, और इसमें डालेंगे तेल, तेल से सानना है इसे। चलिए इसमें डालेंगे मिर्च का अचार एक, मिर्च का अचार डालने से और अच्छा टेस्ट आता है। कभी भी आप सत्तू का पराठा बनाइए तो मिर्च डालिए। तो चलिए मैंने एक मिर्च का अचार डाल दिया है लाल वाला, और नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तेल और मसाले से इसको सान लेंगे, और ये अभी गीला लग रहा है, बाद में सूखा सूखा सा हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे फिर। तो चलिए पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला है, और तेल से सानने से ना सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो चलिए धनिया निकाल लेते हैं, इस तरह डिब्बे में रखने से धनिया कभी ख़राब नहीं होती है किसी बॉक्स या डिब्बे में रखने से। ऐसे में तो बरसात का मौसम है ना, तो धनिया थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। तो चलिए मैंने इस तरह रखा था, तो मेरी धनिया बहुत अच्छे से रहती है। तो चलिए धनिया को मैंने धुल लिया, और धनिया की पत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हर सीज़न में धनिया की पत्ती टमाटर चाहिए ही तो चाहिए। तो चलिए तो इसको काट लेते हैं। और आपके यहाँ क्या रेट चल रही, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे यहाँ ये 250 रुपये किलो है धनिया। तो चलिए बारीक बारीक काट लिया मैंने, और अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया डालने से और अच्छा टेस्ट आ जाता है सत्तू के पराठे में या किसी भी चीज़ में। तो चलिए अच्छे से करेंगे मिक्स। और हम बिहारियों के यहाँ तो ये पराठे लिट्टी तो बहुत बनते हैं, तो आदत है बिल्कुल बनाने की। तो चलिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, कितने अच्छे से तैयार हो गया मेरा सत्तू घर का। चलिए आटा तैयार कर लेते हैं। चलिए आटा मैंने छान लिया है, और इसमें भूल गए थे काला वाला कलौंजी डालने के लिए, हमारे यहाँ इसको मकरेल भी बोलते हैं। तो चलिए काला वाला कलौंजी आटे में डाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे
तेल डालने से थोड़ा सॉफ्ट आटा होता है। तो चलिए इस तरह आटा गूंद लिया मैंने और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। चलिए सारे पेड़े बना लेंगे। बहुत टेस्टी सत्तू का पराठा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए सारे इसी तरह पेड़े बना लेंगे लोई का और इस तरह सत्तू भरेंगे। चलिए देखिए पेड़ इस तरह मैंने सत्तू भरा दबा दबा करके। चलिए सारे इसी तरह बना लेंगे। बारिश होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस। चलिए चलिए बेल लेते हैं पराठे इसी तरह सारे। देखिए फिर मैंने बेल लिया, एक भी पराठे ना फटेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये देखिए। चलिए तवा गर्म हो गया है, इसमें डालते हैं पराठे और सेंक लेते हैं। चलिए दूसरा वाला भी इसी तरह बेल लेंगे, सारे पराठे इसी तरह बेल लेंगे। चलिए तेल लगाते हैं, दोनों तरफ से तेल लगा के अच्छे से पलट के सेंक लेंगे। दोनों तरफ से पलट के सेंक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पराठा सिक गया है ना, देखने में कितना प्यारा, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलिए ये देखिए सारे पराठे मेरे सिक चुके हैं। चलिए पराठे में खाने के लिए स्पेशल चटनी बनाते हैं फ्रेंड। तो सेम जार में सत्तू पीसा था उसी में मैं बना रही हूँ। तो चलिए इसमें धनिया और पुदीना डालेंगे और लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और नमकीन डालेंगे, सेब थोड़ी सी और आधा आम काट के डाल देंगे अम्मा, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और आधा नींबू डालेंगे इसमें, एकदम हरी भरी चटनी बनके तैयार हो जाएगी मेरी। चलिए नींबू मैंने निचोड़ दिया है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ज़रा सा पानी डालेंगे, डाल के पीस लिया मैंने। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई। चलिए सत्तू वाली प्लेट लगा, मेरे सत्तू वाले पराठे कैसे लगे कमेंट करके बताना जरूर।